हेलो डियर, मोस्ट वेलकम टू मॉडरेशन चैनल। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और जैसे कि मैं आप लोगों के लिए डेली एक सब्जेक्ट की वीडियो लेके आता हूँ जिस पे आपके प्रीवियस ईयर पे आए हुए क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से देखा जाए कि आपके मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो एज इट इज़ पूछे जाते हैं, तो उसमें कुछ डाउट्स रहते हैं और उसमें कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जैसे यहाँ पर मैं आपको इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी लेकर आया हूँ जो आपके देखेंगे क्वेश्चन को कैसे क्या क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन की सीरीज़, 40 क्वेश्चन डेली डिस्कस होते हैं। 40 क्वेश्चन में आप ये देखेंगे यहाँ पर जो चार ऑप्शन होते हैं, चार के चारों ऑप्शन डिस्कस किए जाते हैं। चार में से आप ये देखेंगे कि पहला सही है तो पहला क्यों सही है, दूसरा सही है तो दूसरा क्यों सही है, मतलब या दूसरा को थोड़ा सा भी एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है तो आप कैसे क्या उसके बारे में सोचते हैं, एग्जामिनर आपके क्या बारे में सोचता है, वो सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस हम करते हैं। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका द डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रा डाउन, आपका जो डिस्चार्ज है पर यूनिट ड्रा डाउन, आपका ड्रा डाउन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक कैपेसिटी बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n इक्वल टू गामा गामा वाई प्लस गामा रिटेंशन, आपका ये क्या कहलाएगा, ये आपका पोरोसिटी कहलाता है। या तो आपसे एग्जामिनर इन दोनों की वैल्यू दे देगा या तो किसी एक की वैल्यू दे देके पोरोसिटी देके आपसे गामा रिटेंशन निकला लेगा। यहाँ पर स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी मींस आपका ड्रा डाउन क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। आपका ये कैनाल था, सॉरी ये आपका कोई वेल था, यहाँ से आप ये इसके बाद आपने क्या किया, टेस्टिंग वेल आप यूज किए, टेस्टिंग वेल आपने जो यूज किया ये फर्स्ट एंड सेकेंड आपका कुछ इस तरह से आपने इसको यूज किया। यहाँ पर ये देखेंगे जो ये ड्रा डाउन है ना, दिस इज़ द कॉल्ड ड्रा डाउन, दिस इज़ द कॉल्ड ड्रा डाउन। और ये जो शेप होगा, ये शेप आपका कैसा होगा, ये आपका शेप आपका पैराबोलिक, ये आपका शेप कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो आपसे ये आपका मेन वेल होगा, ये आपके ऑब्जर्वेशन वेल होंगे, या ये दोनों आपके ऑब्जर्वेशन वेल होंगे जो कि उसके सम डिस्टेंस पे बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर एक ये पैराबोलिक जैसे दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन आप ऐसे देखने की अगर कोशिश करिए तो दिखेगा भी आपको पैराबोलिक। ये शेप कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ये आप यहाँ पर जितना डिस्चार्ज होगा, जितना से ज़्यादा ड्रा डाउन आपका क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी आपका ड्रा डाउन आपका इंक्रीज करता जा रहा है। देखिए ना, ड्रा डाउन आपका इंक्रीज करता जा रहा है तो स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। जैसे जैसे ड्रा डाउन कम होता जाएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब आपका एटमॉस्फेरिक बढ़ रहा है, द वाटर लेवल ऑफ कन्फाइन, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वाटर लेवल इन द वेल इन एन अनकन्फाइंड एक्वीफर, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज बढ़ा रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कर रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, द वाटर लेवल इन वेल अनकन्फाइंड एक्वीफर। ये आपका एक ट्यूबवेल था, यहाँ पर ये था कि यहाँ तक लेटर सपोज आपका कुछ वाटर था, यहाँ पर वाटर आपका फिल था, यहाँ पर ये कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, अगर ये इंक्रीज करेगा, जैसे एटमॉस्फेरिक इंक्रीज करेगा ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी, ये जस्ट रिवर्सिबल होगा, याद रखिएगा ये वैल्यू जो भी होगी जस्ट रिवर्सिबल होगा। अगर पी एटमॉस्फेयर आपका इंक्रीज हुआ, देन वाटर लेवल यहाँ पर बात किया जाए, वाटर लेवल आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड जस्ट यहाँ पर ऐसे भी देख लीजिए, आपका एटमॉस्फेरिक जो है ना वो अगर डिक्रीज करेगा, देन इंक्रीज क्या करेगा, आपका वाटर लेवल करेगा। यहाँ पर आप खुद एक बात सोचिए, जैसे कि ये आपका
ये आपका एक बॉटल थी, यहाँ पर ऊपर से कुछ ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा, ये वह जो बॉटल के अंदर पानी है क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। एंड जब ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, जो प्रेशर ज़्यादा होगा अगले को दबाने की कोशिश करता है, आपके बॉटल के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो बाहर निकल के दबाने की कोशिश करेगा, बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो अंदर को दबाने की कोशिश करेगा, तो वैसा वर्षा है। तो दोनों चीज़ें समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, व्हेन इंक्रीज कर रहा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जनरल सी बात है डिक्रीज होगा, डज नॉट चेंज, ऐसा हो ही नहीं सकता, नन ऑफ द अबव, बिल्कुल है नन ऑफ द अबव है नहीं, आपका ए पार्ट सही है, कौन सा आपका ए पार्ट, सॉरी आपका बी पार्ट सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द यील्ड ऑफ वेल डिपेंड अपॉन, जो यील्ड ऑफ वेल है, यील्ड ऑफ द वेल किस पे डिपेंड करते हैं, किसी भी वेल मतलब, किसी भी वेल मतलब कुएं की बात करा जाए, जो आपका ट्यूबवेल या ओपन वेल हुआ ना, यहाँ पर इसकी साइज अगर देखा जाए, यहाँ पर कौन सा दिया, अगर ट्यूबवेल की बात किया जाए, ट्यूबवेल आपका 80 to 600 mm होगा, mm में होगा, और ओपन वेल आपका जो होगा जिसको आप कुआं बोलते हैं 1 to 10 meter डायमीटर आपका होगा। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा कि आपके ट्यूबवेल में देखा जाए 80 to 600 mm आपका ट्यूबवेल होगा, ओपन वेल जो है ना 1 to 10 mm डाया होगा, ओपन वेल जो होगा ना 1 to 10 mm आपका डाया होगा यहाँ पर 80 to 600। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यील्ड ऑफ वेल डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है। देखिए जो यील्ड है ना, वो सबसे पहले आप किस पे डिपेंड करता है, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, ओके, एरिया ऑफ एक्वीफर ओपनिंग इनटू वेल, एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, ओके। यहाँ पर देखिए कि यील्ड जो है ना, सबसे पहली बात आपके परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करती है। लेट अस सपोज यहाँ पर देखें आप, सॉरी ये आपके पार्टिकल्स हुए एंड ये छोटे छोटे आप क्ले मान लेते हैं इसके, एंड यहाँ सैंड मान लेते हैं। जो यील्ड की बात कर रहे हैं ना, परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, बिल्कुल क्ले में देखिए परमेबिलिटी नियर अबाउट जीरो होगा तो यील्ड क्या होगा, कम होगा, लेकिन सैंड में परमेबिलिटी ज़्यादा होगा तो यील्ड ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ एक्वीफर ओपनिंग इनटू वेल, जितना बड़ा एरिया होगा, इसीलिए लिख दिया हूँ 1 meter और 10 meter, दोनों के यील्ड में कंपेयर करेंगे तो 10 meter का यील्ड ज़्यादा होगा कंपेयर टू 1 meter, ओके। एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है, उसकी फ्लो वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा ना, वो आपका ऑप्शन डी पार्ट सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ वन डायमेंशनल फ्लो इन एन अनकन्फाइंड एक्वीफर बिटवीन टू वाटर बॉडी, इन अ वन डायमेंशनल फ्लो इन अनकन्फाइंड एक्वीफर बिटवीन टू वाटर बॉडीज, व्हेन रिचार्ज द वाटर टेबल प्रोफाइल इज, यहाँ पर आप देखें कि क्या बोला जा रहा है, इन अ वन डायमेंशनल फ्लो, इन अ वन डायमेंशनल फ्लो इन एन अनकन्फाइंड एक्वीफर बिटवीन टू वाटर बॉडी, वाटर रिचार्ज द वाटर टेबल प्रोफाइल विल बी, वाटर टेबल की जो प्रोफाइल है ना, आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, देखिए यहां पर कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, यहाँ पर कुछ इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है जो ड्रा डाउन है ना, इसका शेप बोला गया है कैसा है, तो आपका पार्ट ऑफ सर्कल नहीं, पार्ट ऑफ द पैराबोला, ये कैसा होगा आपका पैराबोला होगा। हाँ, कुछ बुक पे आपको ये देखने को मिल सकता है कि वो कुछ ऐसे बना देते हैं, वो जल्दबाजी में बना देते हैं, लेकिन ये किस शेप का होगा आपका पैराबोला होगा। ये आपका मेन वेल होगा, इसको आप क्या बोलेंगे, यहाँ से क्यू डिस्चार्ज, इसको आप बोलेंगे मेन वेल बोलेंगे, यहाँ पर आप इनको दोनों क्या बोलेंगे, इनको आप बोलेंगे ऑब्जर्वेशन वेल, इनको आप क्या बोलेंगे ऑब्जर्वेशन वेल आप इनको बोलेंगे। ये आपके दोनों कौन से हैं, ऑब्जर्वेशन वेल है, ये आपका मेन वेल हो गया। दिस वैल्यू इज कॉल्ड ड्रा डाउन S1 एंड दिस इज द कॉल्ड S2, दिस इज S1 एंड दिस इज द S2, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट ऑफ पैराबोला आपका सही ऑप्शन होगा। देन यही इसका ये है कि इन द वन डायमेंशन फ्लो इन अनकन्फाइंड एक्वीफर में बिटवीन टू वाटर बॉडी,
व्हेन रिचार्ज देन वाटर टेबल प्रोफाइल आपका पैराबोलिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं कि स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ओपन वेल इज हायर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप। देखिए, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी किसकी होगी, जिनके पास परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर आपका कौन सा होगा, कोर सैंड। अगर आप देखें तो कोर सैंड के पास सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी होगी, जो परमेबिलिटी होगी कोर सैंड की वो सबसे ज़्यादा होगी परमेबिलिटी, तो यील्ड उसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यहीं पर अगर क्ले की करें, यहाँ पर देखिए सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम आपकी रॉक की होगी, फिर इसके बाद क्ले की होगी, उसके बाद सैंड की होगी, और फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा आएगा, रॉक सैंड आएगी। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर आपका जो है ना, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी किस में होगी, इसमें होगी। सबसे कम किस में होगी, रॉक पे होगी। अब परमेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में परमेबिलिटी होगी, आपकी कोर्स पे होगी। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। व्हाट इज़ द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर लोकेटिंग अ प्राइमरी पिट फ्रॉम ट्यूब वेल ऑफ द हैंड पंप। जो आपके हैंड पंप होता है ना, उससे कितना दूर आपका होना चाहिए, व्हाट इज़ द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर लोकेटिंग। वो जो यहाँ पर देखिए होता ही है, ये आपका फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, ये आपका घर हो गया, यहाँ पर आपका हैंड पंप लगा हुआ है, ये हैंड पंप आपका है, ये आपका हैंड पंप है। तो आपका जो प्राइवी पिट है ना, जो आपका लेटरिंग गड्ढा है, वो हैंड पंप से या वेल से कितना दूर होना चाहिए, यहाँ से कितना दूर होना चाहिए, कम से कम 30 मीटर दूर होना चाहिए। क्यों कम से कम 30 मीटर आपके हैंडपम्प और ये जो प्राइमरी पिट बनाते हैं ना आप, ये आपका पिट जो है, लैटरिंग का गड्ढा जो है ना, इससे कितने दूरी पे होना चाहिए, 30 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके पीछे मेन रीज़न मैं आपको बताऊं, मेन रीज़न ये होता है कि ये तो आपका हैंडपम्प आप ये मान लीजिए कि 90-100 पे बोरिंग होगी, 90-100 फीट पे बोरी होगी, और जो आपका पिट होगा ये भी 10-15 फीट नीचे बनाया जाता है, 10-15 फीट नीचे बनाया जाता है। तो आप ये देखेंगे ना कि यहाँ पर जो आप वाटर डालेंगे, वाटर या आपकी जो भी जाएगा यहाँ पर मल जाएगा, वो आफ्टर सम टाइम यहाँ से क्या होता जाएगा, पेनिट्रेट तो होगा, परमेबिलिटी होगी सॉइल की, धीरे धीरे जाता जाएगा, और आफ्टर सम टाइम 20-25 ईयर में क्या होगा, यही वाटर आपके यहाँ से नल से डायरेक्टली आने लगेगा। तो इस वजह से ये डिस्टेंस बहुत दूर होनी चाहिए, ये डिस्टेंस जितना पास में होगी ना आपको उतनी ही प्रॉब्लम होगी, उतने जल्दी आप मतलब समझ सकते हैं आगे क्या होगा, बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। डीप वेल किसको बोलते हैं, देखिए वेल टू टाइप के होते हैं, एक ओपन वेल, एक सैलो वेल, एक डीप वेल। अगर आप डीप वेल की बात कर रहे हो ना, इज़ ऑलवेज डीपर देन सैलो वेल, ये कह सकते हैं आप कि, लेकिन अगर जब डीप वेल की बात करेंगे ना, केवल डिस्चार्ज की बात करते हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा, केवल डिस्चार्ज की बात करते हैं, कुछ डिस्चार्ज ज़्यादा होता हैज़ मोर डिस्चार्ज देन सैलो वेल, ये तो सही बात बोल रहा कि डीप वेल हैज़ मोर डिस्चार्ज देन सैलो वेल, ठीक है, वीकर स्ट्रक्चर देन सैलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डीप वेल इज ऑलवेज डीपर देन सैलो। डीप मतलब आप ए और बी के पास जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है डी पार्ट वाला, इसलिए क्या कर सकते हैं आप, डी के पास जा सकते हैं, अदरवाइज आप डी के पास नहीं जा सकते थे। और आप एग्जैक्ट आंसर अगर आप देखते तो आपका एग्जैक्ट आंसर विल बी बी पार्ट, बट हेयर बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल ए एंड बी, देन यू गो फॉर ऑप्शन डी, बोथ हैं ए एंड बी। यहाँ पर मेनली ऐसा कुछ नहीं कि ऑलवेज डीपर देन सैलो होता है, वहाँ पर जो मेनली मैटर करता है ना वो डिस्चार्ज पर होता है। क्या एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि ओनली थर्ड पर ऑप्शन आर करेक्ट, फुल डिस्चार्ज पे मैटर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। द डायमीटर ऑफ द ट्यूब वेल आर वन एंड देर आर आर टू इज आर टू देन। यहाँ पर देखिए मैं ट्यूब वेल का लिख देता हूँ, ट्यूब वेल का आपका जो डाया होगा ना, सॉरी ट्यूब वेल बोल रहा हूँ, ओपन वेल, ट्यूब वेल का जो डाया होगा ट्यूब बेल का डाया आपका ये होगा, ट्यूब बेल
एंड ओपन वेल, जिसको आप कुआं बोलते हैं, पहले आपके घरों पर रहे होंगे, इनकी डाया आपका होगा 1 to 10 meters, इनका डाया क्या होगा 1 to 10 meters, बहुत चौड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप बात कर लीजिए रेडियस की, अगर बात करें तो R2 का क्या होगा, आपका रेडियस ज़्यादा होगा, आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर सोचना ही नहीं था, सोचना विचारना कुछ था नहीं, आप जनरली ऐसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा सोचना है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ ऑलवेज, इनफिल्ट्रेशन रेट इज़ ऑलवेज मोर देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। जो इनफिल्ट्रेशन रेट है, इनफिल्ट्रेशन रेट होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए, आपका ये सॉइल था, ये आपका इनफिल्ट्रेशन, मतलब यहाँ से ये हो रहा कि आपका जो ये वाटर है ना, यहाँ से वाटर क्या हो रहा, पेनिट्रेट, यहाँ से वाटर हो रहा, यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, इनफिल्टर हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है यहाँ पर। तो यही बोला जा रहा है जो इनफिल्ट्रेशन रेट है ना, ये ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पर लेटर सपोज ये वाटर कहाँ से जाएगा, पहले यह सोचिए, ये वाटर पोर्स से जाएगा, जो पोर्स ज़्यादा बड़े होंगे वहाँ से इनफिल्ट्रेशन रेट बहुत तेज़ी से जाएगा, जो पोर्स छोटे होंगे वहाँ से इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, कम होगा। किसी के बारे में सोचना था आपका, इनफिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज मोर देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, इनफिल्ट्रेशन रेट जो है ना, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी आपकी जितनी क्षमता है, आप खुद सोचिए आपकी जितनी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा, यहाँ पर जैसे ये पोर्स हैं, लेट अस सपोज ये पोर्स, मैं ये दूसरे कलर से ड्राइव कर रहा हूँ, ये जो पोर्स है ना, ये जो पोर्स हैं, ये पोर की जो कैपेसिटी होगी उतना ही तो पानी यहाँ से पेनिट्रेट कर पाएगा, कि जितना भी पोर्स है उतना ही पानी यहाँ से पेनिट्रेट कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। एंड तो पहला आप तो गलत हो गया, लेस देन द इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ये भी सही है कि लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्षमता के हिसाब से कम जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है इक्वल हो जाए कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जितना है उतनी ही रेनफॉल हो रही, तो जितना पानी जा रहा टोटल वही रेट से इनफिल्ट्रेट हो रहा। तो यहाँ पर अगर एप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो आपका किसके पास एप्रोप्रिएट आंसर जाएगा, आंसर आपका सी के पास जाएगा कि इक्वल टू और लेस देन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, यील्ड ऑफ द वेल, यील्ड ऑफ द वेल, कुएं का जो यील्ड होगा विल बी इफ परमिसिबल ऑफ द सॉइल मोर, अगर परमिसिबल ऑफ द सॉइल ज़्यादा है तो आपका यील्ड भी ज़्यादा होगा, अगर जब परमिसिबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी तो वाटर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से निकलेगा, पास होके जाएगा, और यहाँ सबसे ज़्यादा देखेंगे तो कोर्स सैंड के पास परमिसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, कम किसके पास होती है, आपकी क्ले के पास होती है, क्यों, क्योंकि क्ले में जो ऑइड्स है ना, ऑइड्स रेशियो बहुत कम होते हैं, इसलिए ऐसा कुछ होता है। इन ए वेल इफ द वाटर लेवल ऑफ द बिलो ग्राउंड लेवल बट अबव द लोकल वाटर बॉडी, क्या बोल रहा, इन ए वेल, एक कुएं में इफ द वाटर लेवल इज बिलो द ग्राउंड लेवल, एक वाटर लेवल है बिलो द ग्राउंड लेवल बट इट अबव द लोकल वाटर लेवल, ओके, इसको आप क्या बोलते हैं, आर्टेसियन वेल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर्टेसियन वेल बोलते हैं, इसको आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका पताल तोड़ कुआं बोलते हैं। इसमें होता ये है कि ये आपका वाटर लेवल, आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये आपका कोई माउंटेन था, यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था, धीरे 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 क्या हुआ, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो गया, यहाँ से जो पानी निकलना था ना वो आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, आर्टेसियन वेल बोलते हैं इसको। एन ए वेल इन द वाटर लेवल इज बिलो द ग्राउंड लेवल बट अबव द लोकल वाटर लेवल इज आर्टेसियन वेल। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए कि आपका यह ऑप्शन सही होगा आर्टेसियन वेल का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनफिल्ट्रेशन इज द, इनफिल्ट्रेशन है क्या, अभी आपको मैं पोर्स बना के यही चीज़ बता रहा था, मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द सॉइल, यही बात आपकी सही, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल सरफेस। आप यहाँ पर देखिए मूवमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन जो ना, एब्जॉर्ब करना, शोषित करना ऑफ द वाटर बाय सॉइल सरफेस, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं, अगर एग्जैक्ट आंसर के पास आप जाएंगे तो मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द सॉइल, आप खुद एक बार सोचिए, आप देखिए जब क्वेश्चन आए ना तो उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि ये पूछ क्या रहा है और क्या हो सकता था यहाँ पर,
तो यहाँ पर ये देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, बिल्कुल सही बात है, जो थ्रू सॉइल के द्वारा वाटर मूवमेंट होगा यहाँ पर, एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं बाई सॉइल सरफेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई सॉइल सरफेस, एब्जॉर्प्शन सॉइल को एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर आपका सी भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए अगर अप्रोप्रिएट आंसर अगर आप देखा जाए तो केवल आपका ए पार्ट ही ऑप्शन सही है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉइल सरफेस, जो ऊपर वाली सरफेस है ना, वाटर को क्या कर रही है, वो एब्जॉर्ब कर रही है, थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्ब करेगी करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर कम होने से वाटर लेवल डायरेक्टली इंक्रीज कर जाएगा। दे क्वेश्चन आर डिस्कस इन दिस स्लाइड इन टू टू थ्री क्वेश्चन लास्ट। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है आपका, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज ए कॉन्स्टेंट फैक्टर, नो, चेंज विद टाइम, नो, चेंज विद लोकेशन। देखिए इनफिल्ट्रेशन फैक्टर क्या है, चेंज विद बोथ टाइम के साथ और लोकेशन के साथ, एंड लोकेशन मीन्स एक जगह की सॉइल दूसरी थी एंड दूसरे जगह की सॉइल क्या थी, दूसरी थी। तो आप इस तरह से नहीं बता सकते कि यहाँ पर कौन सा सही, मतलब क्या होगा, तो यहाँ चेंजेस क्या हो रहे हैं, टाइम और लोकेशन दोनों के साथ यहाँ चेंजेज हो रहे हैं। सो आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आप ऐसे गलती मत करिएगा कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है ना वो चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है और लोकेशन के साथ भी चेंज हो रहा, दोनों के साथ चेंज हो रहा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। श्राउडिंग इज प्रोवाइडेड इन, श्राउडिंग जो है ना वो प्रोवाइड करवाया जाता है, कहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है, स्लॉटेड टाइप पे। देखिए कैविटी टाइप ट्यूबवेल में क्या होता है, कैविटी टाइप एंड स्ट्रेनर टाइप, स्लॉटेड में ये होता है कि ये आपका कैविटी टाइप में क्या हो, आपने यहाँ पर ये डाला और यहाँ पर एक कोई आपको मतलब परमिलिटी वाला सॉइल मिल गया, यहाँ से आपका पानी जाता रहेगा ट्यूब वेल में जब तक यहाँ से आता रहेगा। स्लॉटेड में आप देखेंगे कि स्लॉटेड का भी आपका कुछ इस तरह से होगा, ये आपका इम्परवियस लेयर मिलेगी, इम्परवियस लेयर के नीचे आपका पानी का कोई स्रोत मिल जाए। जबकि स्ट्रेनर टाइप में देखेंगे, स्टेनर टाइप में कुछ इस तरह से है, स्टेनर टाइप में कुछ इस तरह से है, यहां पर स्टेनर टाइप में आपका कुछ वाटर यहां से पेनिट्रेट करेगा, यहां से पेनिट्रेट करेगा स्टेनर टाइप पे, एंड यहाँ नीचे से नहीं, यहाँ से नीचे बंद रहेगा। ये स्टेनर टाइप आपका हो गया, वो कैविटी वाला हो गया आपका, ये स्लॉटेड हो गया। तो यहाँ पर ये वाला स्लॉटेड हो गया, ये आपका कैविटी हो गया। यहाँ से स्राउटिंग, इस प्रोसेस को स्राउटिंग बोला जाता है। ओके, तो यहाँ से आपका बी पार्ट सही हो जाता है। यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पर आपका बी पार्ट सही हो जाता। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एन आर्टेशियन एक्वीफर इज़ वन वेयर, आर्टेशियन एक्वीफर इज़ वन वेयर, जहाँ पर वाटर सरफेस अंडरग्राउंड इज एन एटमोस्फेरिक प्रेशर। देखिए आर्टेशियन वाटर किसको बोलते हैं, अभी मैं आर्टेशियन सरफेस किसको बोलते हैं, ये आपका डैम था या आपका माउंटेन था, इसके नीचे जो पानी दबा हुआ है या इससे जो पानी निकल रहा है, जिसका प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा ये वाला प्रेशर होगा, तभी तो बाई प्रेशर के द्वारा ऊपर निकल रहा है। अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता तो इसको निकलने नहीं देता, वही बात यहाँ बोला गया होगा। वाटर सरफेस अंडर द ग्राउंड इज दैट एटमोस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल नहीं, वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन द टू इम्परवियस स्ट्रेटा, ये बात सही बोला जा सकता है। वाटर टेबल सर्व एज अपर सरफेस ऑफ जोन, वाटर इज अंडर प्रेशर बिटवीन टू इम्परवियस स्ट्रेटा, यहाँ पर जो ये वाटर दबा हुआ है ना, दो स्ट्रेटा के बीच में दबा हुआ है और उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, किससे, एटमोस्फेरिक प्रेशर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। इन लिफ्ट इरीगेशन में द फ्लो, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, इन लिफ्ट इरीगेशन में द फ्लो इज, फ्लो क्या होता है, फ्लो बाई ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होता, फिर क्या होता है, ये आपका फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। एक्चुअली ये लिफ्ट इरीगेशन होती क्या है, जब ये कोई लेवल नीचे है और ये कोई लेवल ऊपर है, तो होता क्या है, यहाँ से यहाँ तक पानी पहुँचाना तो आप ऐसे पहुँचा नहीं सकते, तो आप करिए क्या, यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप लगा दीजिए। हाइड्रोलिक पंप लगा के क्या करिए, यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप लगा के यहाँ तक पानी पहुँचा दीजिए आप। ओके, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका लिफ्ट इरीगेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
a series of well were dug in a confined aquifer. The surface obtained by connecting the static water level would be called. देखिए यहाँ पर है सीरीज ऑफ वेल्स, एक सीरीज ऑफ वेल्स, एक सीरीज ऑफ वेल्स, एक सीरीज ऑफ वेल्स. आप कई वेल्स को क्या कर रहे हैं, सीरीज पे अटैच कर रहे हैं सबको. एंड यहाँ पर कन्फाइंड एक्वीफर है, द सरफेस ऑब्टेन बाई कनेक्टिंग द स्टेटिक वाटर. यहाँ पर इनके जो स्टेटिक वाटर है ना, वो जो कनेक्ट करेंगे ना, वो आप पीजोमेट्रिक सरफेस के द्वारा कनेक्ट करेंगे. पीजोमेट्रिक सरफेस में क्या होगा, प्रेशर पी बाई गामा जी प्लस जेड आपका जो कि डेटम लाइन होगा. यहाँ पर वेलोसिटी हेड क्या होगा आपका, वेलोसिटी हेड आपका जीरो होगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गेल्स द अप स्ट्रीम लेंथ ऑफ ए गाइडेड बैंक शुड बी डैश डैश फॉर द डिस्चार्ज बिटवीन 7000 टू. ये वाला क्वेश्चन ये जब क्वेश्चन आया था तो ये पूरा क्वेश्चन था नहीं, तो इसलिए इसको आयोग ने भी क्या किया था, इसको पूरा क्वेश्चन नहीं माना था, तो इसलिए इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे यहाँ पर. अगला क्वेश्चन है द कैनाल अलाइंड ऑन द नेचुरल वाटर सेड लाइन इज द कॉल्ड. क्या द कैनाल आपका जो है लाइन सीधी हो रही है, कैनाल अलाइंड ऑफ द वाटर सेड लाइन ऑफ द, इसको क्या बोलते हैं, वाटर सेड कैनाल बोलते हैं, फ्री कैनाल इसको आप क्या बोलते हैं, वाटर सेड कैनाल बोलते हैं. एक बार मैं इसका सारा कुछ आपको डिस्कस कर देता हूँ, अगर एक बार आप डिस्कस हो गया आपसे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपसे दूर हो जाएगी. ओके चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि कैनाल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. कैनाल पे ये है क्या, ये वाटर सेड क्या है, रीच क्या है, साइड स्लोप कैनाल क्या है, कंटूर स्लोप क्या है. ओके ये देख लीजिए आप, कुछ आपका ये स्ट्रक्चर था, ये आपका स्ट्रक्चर था. तो ये स्ट्रक्चर में आप ये देखेंगे कि ये जो बॉर्डर बॉर्डर है ना इसका, ये इसको आप क्या बोलेंगे, वाटर सेड बोलेंगे. वाटर सेड एक अमेरिकन वर्ड है, वहाँ से लिया गया था, और इसको हमारे इंडिया में रीज बोला जाता है, RIDGE. तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह से. अब इसका इधर का पानी इधर नहीं जा सकता, ना इधर का वाटर इधर जा सकता, क्यों, क्योंकि चारों तरफ से क्या है. अब ये बताइए यहाँ पर अगर वाटर होगा तो इधर इधर भी एक ऐसी सरफेस है, तो कैसे उधर जा ही नहीं पाएगा, जब इधर वाटर जा ही नहीं पाएगा, तो ये एक आपका एक क्या बन जाएगा, एक आपका ये आप वाटर सेड बन जाएगा. तो वाटर सेड आपकी एक पत्ती की जैसे होती है, यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. ये आपका रिवर हो गया. यहाँ पर ये जो बन रहा ना, इसको आप देखेंगे कि इस शेप का बन रहा है, इस शेप का, वो इस शेप का ऐसे चारों तरफ है. जब इस शेप का, तो एक ये वाटर सेड आपका एक ये हो गया. यहाँ पर देखिए कि आप एक काम करिए कि इनको कंटूर की वजह से सबको जोड़ दीजिए. कंटूर, ये कंटूर लाइन आपकी ड्रा है, ये कंटूर लाइन ड्रा है, ये आपकी क्या है, ये आपकी रिवर हो गई. एंड यहाँ पर आप क्या करिए, एक नहर बना दीजिए, जिसको आप क्या बोलेंगे, साइड स्लोप रिवर बोलेंगे. देखिए ये आपका, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका रिज लाइन और वाटर सेड. एंड दे आर कॉल्ड कंटूर लाइन एंड दे आर कॉल्ड साइड स्लोप लाइन. दे आर कॉल्ड साइड स्लोप लाइन. तो यहाँ पर आपकी चारों चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं, स्पेशली मतलब एकदम बढ़िया से क्लियर हो रही हैं. तो आप इसको एकदम समझिएगा कि आपका यहाँ पर साइड स्लोप चैनल क्या कर रहा है. यहाँ पर मैं दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये 90 डिग्री पे आपके कंटूर लाइन को कट करती है. कंटूर लाइन होता क्या है, सेम एलिवेशन को मिलाने वाली एक लाइन होती है, जिसको आप कंटूर लाइन बोलते हैं. जो कंटूर लाइन पे ये होता है कि आपकी जो इरीगेशन होती है ना, ये इसको ध्यान से देखिएगा, इन दोनों उंगलियों को यहाँ से जब आप ये देखेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ से ये कंटूर एक पॉइंट से एक पॉइंट मिलाया गया है. तो जो भी इरीगेशन आप सिंचाई करेंगे ना, वो केवल वन साइडेड करेंगे, बोथ साइड नहीं कर सकते. लेकिन साइड स्लोप कैनाल जो है ना, साइड स्लोप जस्ट एक इसके 90 डिग्री पे ऐसे जाएगा, और ये क्या होगा, ये दोनों तरफ आपके कर सकता है. तो यहाँ पर क्या होगा, लाइन सीधी होता है, नेचुरल वाटर सेड लाइन आपका क्या होगा,
वाटर से लाइन इज द वाटर सेट कैनाल, आप यहाँ पे इसको बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैनाल डिजाइन इरीगेशन थ्रू आउट द ईयर, एक कैनाल है जिसको डिजाइन किया गया थ्रू आउट ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पर पूरे साल पे आपकी दो ही क्रॉप होती है, रबी और खरीफ, और दोनों क्रॉप को बहुत ईजली तरीके से प्रोवाइड हो जाए परमानेंट कैनाल। परमानेंट कैनाल किसको बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर जो है ना वो परमानेंट हो। ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जामिनर ये गलती करवाने की सोच रहा होगा कि परमानेंट लिख दूंगा, तो परमानेंट का मतलब ये स्टूडेंट समझेगा कि पानी लगातार बह रहा है। परमानेंट का मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, एंड तो ये बात तो गलत हो गई आपकी। दूसरा देख लीजिए, पेरिनियल कैनाल। पेरिनियल कैनाल मीन्स होती बारामासी कैनाल। बारामासी वो कैनाल होती है जो कहाँ से निकली होंगी, कोई नदियाँ से, कोई माउंटेन से निकली होंगी, किसी या तो कोई ऐसे झरने से निकली होंगी जहाँ पर जो पानी है ना वो बारह महीने आता रहता है। तो यहाँ पर एक ऐसी नदी कॉन्टीन्यूअस कैनाल, और यहाँ पर जो आपका कैनाल हेड होगा ना, हेड रेगुलेटर होगा, वो आपका रिजिड होगा या तो परमानेंट होगा। ग्रीन कैनाल का मतलब भी वही हो सकता है अगर पेरिनियल कैनाल ना होगा। ग्रीन कैनाल का मतलब हरी भरी नहर, कहने का मतलब जिसमें पानी रहे, लेकिन ये नहीं रहे कि हरदम रहे, कहने का मतलब कि यहाँ पानी रहे। देखिए आपका एग्ज़ाम, कई एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एकदम तैयार कर दीजिए फुल मूड पे, और एकदम स्टीम लेवल पे आप तैयार कर डालिए कि आपसे एग्ज़ामनर कुछ भी पूछे आपको। देखिए जब आपसे होगा क्या, जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, अगर आपने सामने वाले की मेथड पकड़ लिए कि सामने वाला कैसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कहाँ से क्वेश्चन वो ऐसे कुछ टर्न कर सकता है, जब आप अपनी गलतियों से सीख जाएंगे ना कि आप गलती कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप होगा क्या कि आप वो दोबारा गलती करेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या गलती सीखना है, जैसे कोई भी बल्लेबाज होता है अगर जिस बॉल पे आउट होता है ना, वो सोचता है कि उस बॉल पे मैं कभी आउट ना हो और उसकी खूब प्रैक्टिस करता है। तो उसी तरीके से आप भी ये समझ लीजिए कि जो गेंदबाज है, जो आपके एग्जामिनर है ना, वो आपको किस बॉल पे आउट करना चाहते हैं ये आप लोग सोचिए। कि जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो इरीगेशन इज डन फ्रॉम, जो फ्लो इरीगेशन है ना वो कहाँ से करते हैं। देखिए वेल कुएँ से कर नहीं सकते, करते हैं रिवर से, सी से, आप समुद्र से तो कर ही नहीं सकते, वेल कुएं से करते हैं। कुछ जगह पे आप कुएं से सिंचाई करते हैं, आप मेनली कैनाल से करते हैं, और सब ज़्यादा कैनाल से सिंचाई कहाँ की जाती है, वो आपके पाकिस्तान में की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी का सबसे ज़्यादा, जो शिमला समझौता हुआ था वाटर वाला, वो सब ज़्यादा पानी जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, वही पाकिस्तान को ही प्रोवाइड करा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड फॉर रिटर्निंग मिनरल्स टू द सॉइल इज, मोस्ट इफेक्टिव फार्मिंग कौन सी है, कंटूर प्लगिंग करके, टेरेसिंग करके, क्रॉप रोटेशन। देखिए आपका क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि क्रॉप रोटेशन, इस बार हम कुछ दूसरी फसल बोएं, दूसरे बार कुछ दूसरी फसल बोएं, अगर एक ही टाइप की फसल बोने से होता क्या है कि पैदावार, जो आपकी पैदावार होती है वो क्या हो जाती, कम हो जाती। उसके पीछे मेन रीज़न ये होता है कि आपने जैसे कि दाल लगाई, मतलब कोई भी दालें लगा दी, या आप चने वगैरह ऐसे बो दिए, और एक सीज़न में गेहूं, एक सीज़न में धान, तो होता ही है कि हमारे सॉइल के अंदर ना कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होंगे सभी के लिए अलग अलग होते हैं। तो उस वजह से आप क्या करिए, क्रॉप को रोटेट करते जाइए, या तो दूसरा ये है कि एक साल के लिए या छः महीने के लिए उसको खाली छोड़ दीजिए, परती जिसको बोलते हैं, परती छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर आप उसको यूज करिए, जिससे होगा क्या जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी ना वो पूरी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बर्म्स आर यूज टू, जो बर्म्स है वो कहाँ यूज करते हैं, जो आपके बर्म्स हैं ना वो आपके यूज होते हैं। तो बर्म्स होते हैं क्या है, देखिए आपकी ये आपका आपकी कैनाल थी, तो यहाँ पर आपके ये आपकी कैनाल थी, तो कैनाल में दिस इज द कॉल्ड बर्म्स। ये बर्म्स करते क्या है, रिड्यूस सीपेज लॉसेज, सीपेज लॉस को कम करते हैं, इंक्रीज वेट ऑफ डैम और इंक्रीज शियर स्ट्रेंथ, इंक्रीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक्चुअली प्रोवाइड क्या करते हैं कि आपके फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर डिज़ाइन पर्पस में देखा जाए, द सिल लेवल ऑफ कैनाल हेड, कैनाल हेड रेगुलेटर इज जनरली केप्ट हायर बाय मिनिमम इज अबाउट 1 to 1.2 meters, और किससे होता है, क्रेस्ट लेवल ऑफ अंडर स्लूस, क्रेस्ट लेवल ऑफ द अंडर स्लूस। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है कुछ इस तरह से बनाया जाता है, यहाँ पर आपका ये हो गया।
तो यहाँ पर आपका ये मछली पालन के लिए है, मछली पालन के लिए कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि आप इस डाउन स्ट्रीम पे ना आपकी मैक्सिमम मछलियाँ क्या हो जाएंगी, आपकी फिशेस क्या हो जाएंगी, क्योंकि वो अंडे देती हैं। और होता क्या है कि अंडे क्या होती हैं, यहाँ पर अंडे बच पाते हैं नहीं, इसलिए इनको फिश लैडर बोला गया है, यहाँ पर फिश लैडर बोला गया। तो ये आपका अंडर स्लूस हो गया, ये वाला पार्ट आपका अंडर स्लूस हो गया। तो इन दोनों पार्ट में देखा जाए तो ये वाला पार्ट ना, ये जो सील है ना, ये जो सील है ये इससे कितना ऊंचा होगा, 1 से 1.2 मीटर ऊंचा होगा। तो यहाँ पर क्या है, क्रेस्ट लेवल ऑफ अंडर स्लूस, ये जो अंडर स्लूस का क्रेस्ट लेवल है ना, उससे वो कम होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इरीगेशन कैनाल डिस्चार्ज 5 क्यूबिक मीटर, एज्यूमिंग एन आपको इतना गिवन है, एम आपको इतना, एस आपको इतना, कैलकुलेट मीन वेलोसिटी आप यूजिंग कटर फार्मूला। यूजिंग कटर फार्मूला, जैसे आपको ये क्वेश्चन आए एग्जाम में, आप तुरंत ये क्वेश्चन को इसके आगे पढ़ना ही नहीं, ये क्वेश्चन को इसके आगे पढ़ना ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर सॉल्व करवा दे रहा हूँ। वन वी इक्वल टू 1/n/23 प्लस 0.00155 बाई यस आपका जो स्लोप है अपान 23 प्लस 0.00155 बाई यस, एंड ये कितना होगा, 1 प्लस होगा ये इंटू एन रूट ऑफ द आर इंटू रूट ऑफ द आर एस। ये आपका कटर फार्मूला है, ये आपका कटर फार्मूला है 1/n, ये आपका कटर फार्मूला, वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है ये इतना बड़ा। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर कैलसी नहीं अलाउ है तो आप इसमें क्या सोचेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, जो भी होगा इनकी वैल्यू कितनी है, 1.0, अगर कैलसी अलाउ भी हो ना तो आप इसको छोड़ना ही आपके लिए भलाई है। ये तो बस ऐसे क्वेश्चन आप एग्जामिनर देखने के लिए देता है कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एस को आप क्या कर सकते हैं, 0.2 मीटर बाई किलोमीटर में गिवन है, तो आप 1000 मीटर में कर सकते हैं, इसको 1000 मीटर में कर सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे, टू को करेंगे 5000, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1/5000 एंड 1 + 23 प्लस 0.00155 अपॉन 1/5000 इंटू ए ब्रैकेट बंद, एन आपका कितना है, आपका 0.0255 एंड रूट ऑफ द आर कितना है, यहाँ पर आर की वैल्यू गिवन है, ये डिस्चार्ज है आपका। ओके, ये आपका डिस्चार्ज है, तो यहाँ पर आपको आर बताना है एंड रूट ऑफ द आर एस कर देना है, ऐसा आपको गिवन है। तो यहाँ से आप ये करिएगा कि यहाँ पर आप ये करिएगा, तो ये सारा कुछ करने के बाद आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने नहीं, ये सारा डेटा रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं यहाँ टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर IAS 10/4/30/2000 द रेंज ऑफ द कोफिशेंट, रेंज ऑफ कोफिशेंट रुगोसिटी कोफिशेंट ऑफ द ब्रिक टाइल लाइन कैनाल। देखिए, ब्रिक टाइल लाइन कैनाल के लिए आप ये यूज कर लीजिए, पॉइंट 0.18 से 0.02 तक यूज कर सकते हैं, एंड 15-18 यहाँ पर, और आप देख लीजिए 0.0, 15-0, 18 के बीच में क्या होगा आपका, अगर इसके बीच में आप देखेंगे कि 12 फ्लोट के लिए यूज होता है। ये देखिए, इरिगेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें याद करिए, क्योंकि याद करने के लिए बहुत कुछ है। यह क्वेश्चन 10 एग्जाम में से कभी एक में पूछ लिया गया तो बहुत बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द हाइड्रोलिक रेडियस मीन मैनिंग इक्वेशन फॉर द ट्रेपेजॉइडल चैनल टू कैरी 200 क्यूमिक डिस्चार्ज लेड एट स्लोप 31 किलोमीटर विद साइड स्लोप इतना इतना है, द फ्लो वेलोसिटी इतना है,
टेक रुगोजिटी फैक्टर इतना, कैलकुलेट द हाइड्रोलिक रेडियस, आर की वैल्यू निकलवा रहा है, माइनिंग का फॉर्मूला गिवन है, माइनिंग का फॉर्मूला इक्वेशन, वेलोसिटी गिवन है v बराबर 1 बाई एन आर टू द पावर 2 बाई 3 एस टू द पावर 1 बाई 2 आर की टू पावर 1 बाई 2। यहाँ से फिर आप वेलोसिटी रख दीजिए, वेलोसिटी आपका कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, 1 बाई एन की वैल्यू कितना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन करने वाला नहीं है, अगर कैलसी नहीं गिवन तो। आर आपसे निकलवा रहा है 2 बाई 3, यस आपका स्लोप कितना है यहाँ देखेंगे, लेट एज द स्लोप थर्टी वन किलोमीटर, इसका क्या मतलब है 30 पर 1 किलोमीटर इसको मान लेते हैं। देखिए यहाँ जूम करके चलेंगे, 30 बाई किलोमीटर या तो ऐसे कुछ मान लीजिए इसको 30 बाई, तो यहीं पर आप रख दीजिए 30 बाई 1000 का हाफ। तो यहाँ से आप करेंगे क्या, यहाँ पर से आप आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करने बाद आप आंसर चेक करके बता सकते हैं। ओके देखिए मैं यहाँ कैलकुलेशन में टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट करिएगा, और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो क्वेश्चन है इनको आप ना ही एग्ज़ाम में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, बाकी और कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पूरा किया और हुआ ये गलती से कि आपका आंसर मिसमैच हो गया, तब आप डिप्रेस हो जाएंगे कि 5 मिनट आपने टाइम दिया, रिजल्ट क्या आया, 0 आया। ओके, एज पर द बंधारा इरीगेशन स्कीम में द डिस्चार्ज फार्मूला यूज्ड फॉर बंधारा वायर, एज पर बंधारा इरीगेशन, बंधारा इरीगेशन में स्कीम में देखेंगे डिस्चार्ज फार्मूला कौन सा यूज होगा, 1.7 LH की पावर 1.5 क्यूमिक, 1.7 LH की पावर 1.5 क्यूमिक यहाँ पर आपका आंसर आएगा। यहाँ पर दोनों ऑप्शन, मतलब ये तो नहीं है, ये नहीं है, आपका बी पार्ट आपका ऑप्शन सही होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ पेमेंट एंड मेजरमेंट, यूनिट ऑफ पेमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इन MKS सिस्टम आर सेम विद फ्यू एक्सेप्शन लाइक अर्थवर्क, अर्थक्वाइक 2 मीटर स्क्वायर में होता है अर्थवर्क, सो अर्थवर्क इन इरीगेशन कैनाल इज मेजर इन द क्यूबिक मीटर बट पेमेंट इज मेड, पेमेंट कैसे किया जाता है यहाँ पर 10 क्यूमिक, नहीं रनिंग मीटर के लिए नहीं, पर मीटर डेप्थ के हिसाब से यहाँ पर जो आप करते हैं वो कितना होगा, पर मीटर डेप्थ के हिसाब से आप उसमें क्या करते हैं चार्जेस, या जो उनका रेशियो बनता है किसको कितना पैसा गिवन होगा, तो आपसे बता देंगे कि 2 मीटर डेप्थ की कैनाल बनानी है तो उस हिसाब से आप पूरा उसका एरिया निकाल के उनको बता देंगे। ओके द कैनाल विच इज अलाइंड अलोंग एनी रिज लाइन इज जनरली नोन एज, क्या बोलते हैं रिज लाइन को आप क्या बोलते हैं, वाटरसेट कैनाल बोलते हैं, और स्लाइड स्लोप कैनाल जो होती है वो कंटूर की 90 डिग्री होती है, कंटूर केवल वन साइड पर ही केवल इरीगेशन कर सकती है, स्लाइड आपका ये दोनों तरफ साइड, स्लाइड नहीं है साइड है, SID साइड स्लोप कैनाल, साइड स्लोप कैनाल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ द बैंक, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन टॉप ऑफ द बैंक एंड सप्लाई लेवल इन कैनाल, सप्लाई लेवल इन कैनाल इसको क्या बोलते हैं, इसको आप फ्री बोर्ड बोलते हैं। बर्म क्या होता है, ये आपका स्ट्रक्चर के लिए तो स्टेबिलिटी के लिए सॉइल डाली जाती है ना, दिस इज कॉल्ड बर्म। सप्लाई डेप्थ, लेट अस सपोज इतना पानी है, सप्लाई डेप्थ इसको बोलते हैं। हाइट ऑफ द बैंक, जितना उनका बैंक यहाँ से ऊंचा हो उसको आप द हाइट ऑफ द बैंक बोलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन NSL, ये NSL क्या है, नेचुरल सप्लाई लेवल, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सप्लाई लेवल इज बिलो द बेड लेवल टाइप 4 क्रॉस सेक्शन द कैनाल विल बी, कैनाल विल बी क्या होगा, फुली इनफिलिंग होगा। अभी कैनाल का बिलो द बेड लेवल के नीचे है,
वह नेचुरल सप्लाई लेवल जो है ना, नेचुरल सप्लाई लेवल जो है बेड लेवल के नीचे है, देन किस टाइप का क्रॉस सेक्शन विल बी फुली इन फिलिंग, पूरा फिल करना पड़ेगा, कटिंग और फिलिंग वहाँ पर होता है जो सेम लेवल पे होता है या उसके ऊपर होता है वहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द घोसला द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ द सर्फेस फ्लो, एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ द सर्फेस फ्लो नन ऑफ द अबव डिपेंड्स अपॉन बी बाई डी रेशियो। यही बात सही है, अभी आपको प्रूव कर दूंगा क्यों ये बात सही है आपके। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बी बाई डी रेशियो, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ डाउन साइड कट ऑफ द वॉल। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें, यहाँ पर इसका फार्मूला देखिए, तो यहाँ फार्मूला जो भी मैं लिखाने जा रहा हूँ ये फार्मूला आपका कभी भी आता नहीं है। जी ई बराबर एच बाई डी वन अपान पाई रूट ऑफ द लैम्डा, रूट ऑफ द लैम्डा, एंड लैम्डा आपका वन प्लस माइनस वन प्लस अल्फा स्क्वायर बाई टू, एंड अल्फा इक्वल टू आपका डी बाई डी। देखिए ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि ये कभी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि अल्फ़ा किस पे डिपेंड करता है, आपका जो अल्फ़ा ना वो डेप्थ और विड्थ पे डिपेंड करता है। एक बार तो एग्ज़ाम में ऐसे भी हो गया था कि डायरेक्टली आपको सारा कुछ गिवन डेटा दे दिया था कि लैम्डा इक्वल टू 16 h 10 एंड डेप्थ आपका 2 meter, देन आपका ग्रेडियंट, आपका एग्जिट ग्रेडियंट आपसे पूल दिया गया था, एग्जिट ग्रेडियंट आपका, फिर डायरेक्टली आप फार्मूला करके वहाँ पर 1/5 16, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 × 8 आ जाएगा, 10/24, तो यहाँ 0.4 में समथिंग आंसर आया था, तो कुछ इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। तो तीनों फार्मूला आप चेक कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ चैनल अलाइन नियरली पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेन कंट्री इज द कॉल्ड, क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक चैनल है जो अलाइन हो गया नेचुरल पैरेलल ड्रेन ऑफ द कंट्री इज द कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल टू नेचुरल ड्रेन, नेचुरल ड्रेन के पैरेलल आपका कौन सा होगा। देखिए यहाँ से आप ऐसा ऑप्शन पकड़ सकते हैं, वाटरसेट कैनाल को ही क्या बोलते हैं, रिज चैनल बोलते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, ये दोनों बचे तो उनको क्या बोलते हैं, साइड स्लोप चैनल उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साइड स्लोप चैनल बोलते हैं। ओके, जो कि 90 डिग्री पे कट करती है, किसको कट करती है, तो 90 डिग्री पे कट करता है आपको कंटूर को कट करता है। ओके, अ कैनाल कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल टू द कंटूर लाइन एरिया इट इज़ द कॉल्ड, क्या बोलता है, एक चैनल है कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल टू, क्या नॉर्मल टू कंटूर लाइन, कंटूर लाइन के नॉर्मल होगा, इट इज़ द साइड स्लोप, फिर से साइड स्लोप, देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर आपका ये आपका साइड स्लोप हो गया, किसके परपेंडिकुलर हुआ, आपका कंटूर के परपेंडिकुलर हुआ, ये आपकी रिज लाइन हो गई, तो यहाँ पर कौन उसके परपेंडिकुलर है, साइड स्लोप आपके परपेंडिकुलर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट टर्म इनिशियल रिजीम एंड फाइनल रिजीम लेसी साहब ने इसको दिया था, आर यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, किसकी थ्योरी है ये, आपकी लेसी साहब की थ्योरी है। यहाँ पर दो थ्योरी सबसे पहले आई थी, एक लेसी थ्योरी आई थी, एक कैनेडी थ्योरी आई थी, तो कौन सी थ्योरी मानी जाएगी, लेसी थ्योरी आपकी सोची गई और मानी गई। अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द कैनाल इरीगेशन, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फॉर कैनाल इरीगेशन, कैनाल जो नदी जो आपका नहर से सिंचाई की जाती है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या है, मेन कैनाल बिल्कुल होगा, मेन कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होंगे, माइनर्स भी होंगे, एंड वाटर कोर्स भी होंगे। टैंक वहाँ कहाँ रखते हैं आप, वहाँ पर क्या होगा, आप टैंक्स रखते ही नहीं हैं, जब वहाँ पर आप टैंक्स नहीं रखते हैं तो यह ऑप्शन तो डायरेक्टली सही है ही नहीं, जब वहाँ टैंक्स है ही नहीं आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, यहाँ इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन फिफ्थ वाला छोड़ के, जिसमें फिफ्थ है वो हटा दीजिए, बाकी 1, 2, 3, 4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला हैज़ बीन यूज बाई लेसी थ्योरी टू डिटरमाइन द एक्चुअल जनरेटेड चैनल वेलोसिटी। आप ये देखिए यहाँ पर फॉलोइंग फार्मूला हैज़ कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला हैज़ बीन लेसी थ्योरी टू डिटरमाइन द एक्चुअल जनरेटेड चैनल वेलोसिटी।
लेसी थ्योरी के लिए आप ये देखेंगे, देखिए कटर फार्मूला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता नहीं, तो कटर फार्मूला आप यूज कर नहीं सकते। जनरल रिजीम फ्लो इक्वेशन, माइनिंग फार्मूला कौन सा सही होगा, माइनिंग फार्मूला होगा जो कि V इक्वल टू 10.8 आर टू द पावर 2/3 यश टू द पावर 1/3। और ये आपका आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन है आपका, द विड्थ ऑफ द डोला जनरली केप्ट 30 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर एंड द हाइट अबव द रोड लेवल शुड बी इनवायरेबल मोर देन। चलिए ये आपके लिए आज, क्योंकि अभी आप टाइम हो चुका है, और ये जो क्वेश्चन है आप इनको ज़रूर करिएगा, इसको ना समझ में आए कल मैं सेम टाइम पे आपके लिए लेके आऊँगा ये वाला क्वेश्चन, ओके फिर डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके थैंक यू।